सुप्रभातम वंदे मातरम नमस्कार प्रातःकालीन इस मंगल वेला में माँ शारदे को शत शत नमन करते हुए रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग तृतीय के दशम पाठ नीति नव नितम में प्यारे बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पूर्व के ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों हमने नीति नव नितम के 3 श्लोकों को पढ़ा। आइए आज के इस ऑनलाइन क्लास में शेष रहे 3 श्लोकों को पढ़ते हैं। श्लोक वाचन से पूर्व आइए श्लोक में आए कठिन शब्दार्थ का वाचन करते हैं। न्यसेत यानी रखना चाहिए, उत्तम यानी पवित्रम, नृणाम मनुष्य, वर्ष शतई 100 वर्षों तक, समाप्यते समाप्त होता है। समासेन का अर्थ है प्यारे बच्चों संक्षेप में विद्या यानी जाना चाहिए, सत्य पुतम यानी सत्य से पवित्र, ये तो आपने जाने श्लोक में आए कठिन शब्दार्थ को। आइए मेरे साथ में आप भी पाठ्य पुस्तक को निकाले और पाठ के अंतर्गत 10वें पाठ को देखते हुए श्लोक के उनके ऊपर उंगली रखते हुए पाठ का मेरे साथ में आप भी वाचन करेंगे। आइए मेरे बच्चों पढ़ते हैं नीति नाम नितम का 4th श्लोक। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षां सुख दुख योगो। प्यारे बच्चों परवशम यानी हमें पराधीन, पराधीन सपने सुख नाही, ये एक बहुत ही शाश्वत सत्य उक्ति कही गई है कि पराधीनता में गुलामी में हम दूसरों के अधीन रहकर जो काम करेंगे उसका आनंद जीवन में कभी वास्तविक नहीं ले पाओगे। आत्मवशम सुखम अपनी आत्मा के वश में रहकर स्वाधीन रह करके जो हमें सुख की छोटे से छोटे कार्य की सुख की आनंद की अनुभूति होती है वो पराधीन में नहीं है, पराधीन सपने सुख नहीं। इस श्लोक में प्यारे बच्चों कहा गया है कि हमें हमेशा पराधीन रहकर नहीं स्वाधीन अपने इंद्रियों के वश में रह करके अपने विवेकशीलता से धैर्यता से हमें हमारे सत्कर्य कर्मों को हमारे अच्छे आचरण को हमें हमेशा करना चाहिए। उसमें जो परमानंद की अनुभूति होती है प्यारे बच्चों वो एक अलग ही होती है। आगे बढ़ते हैं एक तद विश्वास समासेन लक्षण सुख दुख एव, यही सुख दुख का संक्षेप में जीवन का लक्ष्य है, लक्षण है स्वाधीन और पराधीन। हमें हमेशा पराधीन में नहीं स्वाधीनता में रहकर के हमारे सुख दुख के कार्य को हमेशा करना चाहिए, उसी में हमें आनंद की अनुभूति होती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों यद कर्म करवतो अस्मे स्यात् परिशुतो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वित वितरम तु भजयेत। यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत ये कहा गया है कि जिस कार्य को करने से हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है वही कार्य हमें करना चाहिए। अक्सर आपने कभी कभी आपके माता पिता को पूछना, आप भी बड़े होंगे आप में भी वो विवेकशीलता जागृत होगी तब कभी आपका जो हृदय आपका मन है एक मन कहेगा ये काम करूं कि नहीं करूं, एक मन कहेगा अरे यार हमें ये काम नहीं करना चाहिए। आपका मन दो भागों में बढ़ता है, करना चाहिए काम या नहीं करना चाहिए। पर जिस कार्य को करने से आपको आत्मा की संतुष्टि प्रदान होती है, आपको अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है वो कार्य आपको सदैव करना चाहिए। जिस कार्य को करने से पर हित होता है, दूसरों की भलाई होती है, दूसरों का हित होता है, उस काम को करने से प्यारे बच्चों अपने जीवन में सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और हम हमारा जीवन समर्पित जीवन कहलाता है। इसलिए हमेशा जिस कार्य को करने से तुम्हें संतुष्टि प्रदान होती है वो कार्य तुम्हें करना चाहिए और जिस कार्य करने से तुम्हें आत्म की संतुष्टि प्राप्ति नहीं होती है, अरे यार मेरे ये काम करने से हो सकता है उसको तकलीफ हो, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, यदि इस प्रकार की विवेकशीलता आप में आ जाती है तो प्यारे बच्चों ये काम कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों के दुख, अपना किया हुआ कार्य दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाता है।
तो हमेशा नीति की दोहे हमें सत्कर्म सद आचरण सदव्यवहार करने की ही सीख देते हैं। दृष्टिपुतस्यता वस्त्रपुतम जलम पिबेत सत्यपुतम वचनम मनःपुतम समाचरेत। प्यारे बच्चों, यहाँ हमेशा ये कहा गया कि हमेशा अंतिम नीति नाम नितम के अंतिम श्लोक में कहा गया, हमें हमारा दृष्टि हमारी जो दृष्टिकोण है हृदय से हमारी